3 साल हो गए। 3 साल साइकिल में ही? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा हैं और वाइफ है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा लूटने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़की 3-3 दिन छोड़ के इसको शॉपिंग करने, घर का सामान लेना है, कुछ ना कुछ। 3-3 दिन बाद किसके घर का सामान खत्म होता है, मेरे को कोई बताओ। हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। जो घर संभालता है उसको पता है। जो घर संभालता है वही कमेंट करो कि 3 दिन में क्या आपके घर का सामान ख़त्म हो जाता है इतनी जल्दी जल्दी, और कपड़े जो पहनने वाले हैं वो भी 3 दिन में आपके ख़त्म हो जाते हैं। बोलो अब इसका जवाब दो। चलो फट जाते 3 दिन में कपड़े, मतलब इनको अलग से शॉपिंग करनी है। तो गाइस हम थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं, चलो हमारे साथ। उसके बाद आप देखो मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। तो लेट्स गो। तो गाइस आज हमने ट्राई किया है, ये लिया है एक मूसली, मूसली बोलते हैं ना इसको, और हमने एक चीज़ और नई ली थी मैंने, अभी मैं दिखाता हूँ उनको। वेट। और एक मैंने लिया ये, घर जाके ट्राई करेंगे, ये खाया नहीं मैंने कभी। और एक मैंने लिया ये टॉप रमन जो भी है, हालांकि इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती भाई मेरे को। तो यहाँ पे सामान आ चुका है सारा। ये देखो, ये खा के देखेंगे, आपको बताएंगे घर जाके कैसा है। ये देखो, और सबसे एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए हूँ, क्योंकि मैंने सुना है प्रोटीन बहुत है इस चीज़ के अंदर। अब इसका टेस्ट घर जाके पता लगेगा। ये लड़की क्या इतना बेकार ले रही टॉवल, इतने अच्छे अच्छे टॉवल पड़े हैं, और ये देखने क्या पसंद किया इसने। यार ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये निकल जाएगा फिर एक दो उसमें। ऐसे थोड़ी होता है यार, सॉफ्ट वाले अच्छे होते हैं टॉवल तो नहीं, अच्छे होते। ये यही लिए ना? ठीक है, सही है, सही, नाइस डिसीजन। लड़कियों को ज़्यादा पता होता है इस चीज़ के बारे में। बाकी अगर आपके ओपिनियन है, बट ये जो नूडल्स हैं बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगे मेरे को, मतलब मेरे को नहीं स्वाद लगे, मैं आपको स्वाद लगे ना लगे आई डोंट नो, बट मेरे को नहीं स्वाद लगे। कल मैंने बोला ना एक्सपीरियंस करूँगा, नहीं टेस्टी। आई स्वेयर गाइस ऐसी चीज़ देखिए ना, आपको सच्ची आपको भी रोना आ जाएगा। वेट, क्या बात है ब्रदर, पहले तो शेक हैंड करो। कब से, मतलब कब से कर रहे हो ये काम? ये 3 साल हो गए। 3 साल साइकिल में ही? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी पापा हैं और वाइफ है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? कितनी अर्निंग हो जाती है, पैसे कितने कमाते हो? पैसे जी पार्ट टाइम करते हैं, 4-5 हज़ार का हो जाता है। 4-5 हज़ार? फैमिली पालना पूरी, क्या मतलब, बहुत बड़ी बात है यार। मतलब मैं अभी गाड़ी में आ रहा था तो मैंने इनको देखा, ठीक है भाई, सैल्यूट है आपको यार इससे के लिए। सो गाइस हम इनका नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इनका नंबर ले रहे हैं। अगर आप कोई भी इनको डोनेट करना चाहो, या फिर आपके दिल से श्रद्धा हो, तो इनको हम सीधा बाइक गिफ्ट करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों की हेल्प से। मैं अकेला उतने काबिल नहीं हूँ, अभी मेरी जितनी औकात है मैं उतना हेल्प कर दूंगा उनको। और अगर आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नंबर होगा इनका, आप डायरेक्ट कॉल करके इनको हेल्प कर सकते हो। बैंक अकाउंट, बैंक है आपके पास? हाँ जी। बैंक है? हाँ जी। गूगल पे चलाते हो? गूगल पे? हाँ जी। तो ये गूगल पे भी चलाते हैं गाइस, और बैंक भी, इनका बैंक में अकाउंट भी है। तो प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हेल्प कर दो, लव यू। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। जैसे हमने देखा गाइस, हम लोग उधर से खा पी के आ रहे थे, तो वहाँ पे साइकिल में आ रहे थे, वो जोमेटो में डिलीवरी कर रहे थे, और बहुत दुख हुआ गाइस ये देख के, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी लग रही थी, और साथ में वो थोड़े वीक भी लग रहे थे।
तो फिर भी वो साइकिल में सारा दिन गाइस जोमेटो डिलीवरी ये नहीं कि एक किलोमीटर दो किलोमीटर में होता है, आपको पता ही है कितने दूर दूर भी जाना पड़ता है और कितनी डिलीवरीज आती हैं, मतलब काफ़ी मुश्किल है यार। और उनके फैमिली मेम्बर भी इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर को पालना, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ नहीं तो थोड़ा रोक के है ना लोगों की हेल्प ही कर दें। फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने किया, पहले तो मैंने सोचा ऐसा बनाऊं कि ना अपना उनको रोकूं ना रोकूं, बट मैंने सोचा चलो मेरी एक वीडियो से अगर उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो ठीक है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है और मेरे को दुआएं मिलेगी, और तभी मैंने उनको ऐसा रोका। बाकी गाइस मैंने सोचा था कि पहले उनका सीधा लिंक दे दूं नीचे या फिर नंबर दे दूं, तो बट उनको जितनी हेल्प होगी हमें पता नहीं लगेगा कि उनको क्या हेल्प हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि पता होना भी ज़रूरी है कि उनको हेल्प हुई है कि नहीं हुई। बाकी मैं सोच रहा था कि जितनी हेल्प हो मैं उनको बाइक खरीद के उनके घर पे डिलीवर करूँ, उसका भी ब्लॉग बनाऊँ ताकि आप लोग भी देखो उनकी हैप्पीनेस खुश हों। तो बाकी आपने अगर हेल्प करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, मेरा इंस्टाग्राम का नीचे दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ पे जाके मेरे को जिस जिस ने हेल्प करनी है एक बार वो करो, और जो हेल्प करेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं डालूँगा नेक्स्ट वीडियो में सबका, ताकि कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो कि बीच में है ना कि कोई कोई सोचता है। हेटर्स आपको पता ही, अगर आप सपोर्टर्स हो तो हेटर्स भी बहुत होते हैं, वो बोलेंगे कि पैसे खा गए, ऐसा कोई सीन ना हो। नेक्स्ट वीडियो में सबका स्क्रीनशॉट जिसने पैसे दिए हैं उनका स्क्रीनशॉट नेम के साथ डाल के उनको हम बाइक डिलीवर करेंगे, जितनी अमाउंट है उनको दे देंगे। तो बाकी आप इंस्टाग्राम नीचे हैंडल दिए हुए आप जा सकते हो। ज़्यादा नहीं मुझे पता है गाइस, कम से कम मेरे 50K तो व्यूज़ आ ही जाते हैं मिनिमम, तो गाइस 20,000 लोग भी 100-200 भी देते हैं तो भी उनके बाइक के पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं आप 500-600, आप 100-150 जितना आपके दिल से श्रद्धा है आप उतनी अमाउंट आप सेंड कर सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग में उनको घर जाके डिलीवर करें बाइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी वाला मतलब दिन होगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और उनके लिए तो बहुत ही बड़ा दिन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और लव यू ऑल, बाय बाय।